ये नहीं कह रहे हैं। योगी के बाप की उत्तर प्रदेश नहीं है, योगी के बाप की भाजपा नहीं है, योगी हमारे यहाँ किरायेदार हैं। हम मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी मेरे बाप की है, पहले जानिएगा। तीन गलत फहमी नहीं पालना चाहिए। योगी कुछ है नहीं, योगी को हमने चुना बहुमत दल का नेता बना के, उनपे एहसान किया, हम उनके आदमी नहीं है। योगी गिरफ्तारी हुई और क्या कहना चाहते हैं भैया? डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्याकांड के बाद जिस प्रकार से जन आंदोलन शुरू हुआ, पुलिस में एसटीएफ सहित सारे बड़े बड़े अधिकारी आईजी डीआईजी तक कैंप करने लगे, उससे यह लग रहा था कि पुलिस और अपराधी में 36 का आंकड़ा है। लेकिन 17 दिन बाद जब घनश्याम तिवारी की पत्नी अदालत में मॉनिटरिंग डालती हैं, माने जिलाधिकारी से मिल करके सीबीआई की जांच करती हैं, इसी बीच जहां पूरे शहर की पुलिस चौकन्नी थी, एसटीएफ लगी थी, इन परिस्थितियों में मुख्य अभियुक्त अपने ही घर के पास पुलिस के साथ मिलता है, इसका मतलब पूरी जनमानस में एक शंका हो गई है कि पुलिस किसे ढूंढ रही थी जब वो अपने घर पर ही था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी और पुलिस का गठजोड़ सीधे सामने आया। आज़ादी के बाद से आज तक जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की चर्चा रही कि अपराधी पुलिस से कांप रहे हैं, हांफ रहे हैं, भाग रहे हैं, इन परिस्थितियों में 17 दिन तक लगातार अपराधी अपने ही घर पर रहा, तभी अपने ही घर के पास की चौकी पे उसको पुलिस एक सरेंडर दिखाती है। अगर उन्हें सरेंडर ही करना था तो माननीय न्यायालय में करते, पुलिस को चकमा दे करके, या पुलिस यही जनपद के कहीं बॉर्डर पे गिरफ्तार करके लाती तो एक पुलिसिंग थी। यह अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाला कृत्य रहा। अपराधी पुलिस गठजोड़ साबित हो गया।